हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम सेवेंथ क्लास मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। तो फिफ्थ क्वेश्चन में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स, सेरी प्लांट्स फोर सैपलिंग्स इन अ रो इन हर गार्डन। सेरी ने अपने गार्डन में एक रो में फोर सैपलिंग्स लगाए हैं। सैपलिंग्स का मतलब होता है यंग प्लांट्स, यानी के छोटे पौधे। द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट सैपलिंग्स इज 3/4 मीटर, और दो एडजेसेंट सैपलिंग्स के बीच का जो डिस्टेंस सैरी ने रखा वो 3/4 मीटर रखा। अब एडजेसेंट सैपलिंग्स का क्या मतलब है, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर आपको ये छोटे से डायग्राम के थ्रू समझाया है कि अगर ये फर्स्ट सैपलिंग है, ये सेकेंड सैपलिंग है, ये थर्ड सैपलिंग है और ये फोर्थ सैपलिंग है, तो फर्स्ट और सेकेंड सैपलिंग्स जो है ये एडजेसेंट सैपलिंग्स है, यानी जो एक साथ आई, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 3/4 मीटर। फिर सेकेंड सैपलिंग और थर्ड सैपलिंग ये एडजेसेंट सैपलिंग्स हैं, इनके बीच का डिस्टेंस भी कितना है 3/4 मीटर। और फिर थर्ड और फोर्थ सैपलिंग ये भी एडजेसेंट सैपलिंग्स हैं, इनके बीच का डिस्टेंस भी कितना है 3/4 मीटर। तो जितनी भी ये एडजेसेंट सैपलिंग्स थी, यानी वन और टू एक साथ, फिर टू और थ्री एक साथ, और थ्री और फोर एक साथ, ये एडजेसेंट सैपलिंग्स थी और इनके बीच का जो डिस्टेंस था वो 3/4 मीटर था सभी एडजेसेंट सैपलिंग के बीच में। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट सैपलिंग। और अब हमसे ये पूछा गया स्टूडेंट्स कि फर्स्ट और लास्ट सैपलिंग के बीच कितना डिस्टेंस है, यानी हमें यहां से लेकर यहां तक ये पूरा डिस्टेंस फाइंड आउट करके बताना है। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले स्टूडेंट्स, हम आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे ताकि आपके लिए क्वेश्चन समझना इजी हो जाए। मान लीजिए कि यहां पर इन सभी एडजेसेंट सैपलिंग्स के बीच का डिस्टेंस 2 मीटर होता, यानी यहां भी 2 मीटर होता, यहां भी 2 मीटर होता और यहां भी 2 मीटर होता, तो आप यहां से लेकर यहां तक, यानी ये डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसके लिए आपके पास दो तरीके थे कैलकुलेशन के, यहां भी 2 मीटर है, यहां भी 2 मीटर और यहां भी 2 मीटर। तो एक मेथड तो ये रहता कि आप 2 + 2 + 2 कर देते तो आपको क्या मिल जाता 6 मीटर। ये छोटी कैलकुलेशन के लिए तो ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर 30, 40 या 50 ऐसे नंबर हो तो इतने सारे नंबर्स को ऐड करना तो मुश्किल हो जाएगा और टाइम भी ज्यादा लगेगा, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, उस केस में आप चेक कीजिए कि यहाँ पर तीनों ही जो यहाँ पर डिस्टेंस आ रहे हैं, जो हमने यहाँ पर लेट किया थोड़ी देर के लिए एग्जाम्पल ले लिया कि 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर होता, तो यहाँ पर इसका मतलब डिस्टेंस सब जगह 2 मीटर है। और उसके बाद हम चेक करते हैं कि ये गैप कितनी बार आया, एक बार, दो बार और तीन बार, यानी तीन बार जो गैप आया वो 3 लिखते, उसको मल्टीप्लाई करते, वो जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बार बार कितना आ रहा है 2 आ रहा है, तो 3 × 2 करते देखिए तब भी आपका आंसर कितना आ जाता 6 मीटर। लेकिन इस केस में आपकी कैलकुलेशन कंपैरेटिवली इजी हो जाती है इसके कंपैरिजन में। तो यहां पर हम क्या चेक करेंगे, जब हम कैलकुलेट करेंगे इस क्वेश्चन में, जब इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन करेंगे तब हम ये देखेंगे कि ये जो डिस्टेंस है ये सेम है 3/4 मीटर, और कितनी बार आया 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम। तो हमें जब टोटल डिस्टेंस चाहिए फर्स्ट सैपलिंग से लेके फोर्थ सैपलिंग के बीच का, तो हम सिंपली 3 × 3/4 कर देंगे और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, यहां पर ये जो हमने आपको समझाया ये सिर्फ एक एग्जांपल है क्वेश्चन का सॉल्यूशन, अब हम यहां पर स्टार्ट करेंगे, ये पार्ट सिर्फ आपके समझने के लिए था। अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे स्टूडेंट्स। द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट सैपलिंग्स इज इक्वल टू 3/4 मीटर। हमें क्वेश्चन में गिवन है कि दो एडजेसेंट सैपलिंग्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो 3/4 मीटर है। इसके बाद हमने लिखा नंबर ऑफ गैप इन सैपलिंग्स इज इक्वल टू 3। यहां पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि ये गैप कितनी बार आया, देखिए फर्स्ट सैपलिंग से सेकंड सैपलिंग तक एक बार, फिर सेकंड सैपलिंग से थर्ड सैपलिंग तक ये 2 बार हो गया, और थर्ड सैपलिंग से फोर्थ सैपलिंग तक ये 3 बार हो गया। तो यहां पर हमने लिखा नंबर ऑफ गैप इन सैपलिंग्स इज इक्वल टू 3, और इसके बाद हमने लिखा देयर फोर डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट सैपलिंग। अब हम यहां पर ये फर्स्ट और ये लास्ट सैपलिंग के बीच का डिस्टेंस पता करेंगे इज इक्वल टू, तो ये कितनी बार ये गैप आया 3 टाइम्स, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे कि जो डिस्टेंस यहां पर हमें दो एडजेसेंट सैपलिंग के बीच में दिया गया था जो कितना था 3/4। देखिए यहां पर ये गैप 3 बार आया तो यहां पर हमने ये 3 लिखा, उसको मल्टीप्लाई किया उस गैप से जो बार बार रिपीट हो रहा है, यानी 3/4 से। अब यहां पर देखिए ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तो आपस में कट नहीं सकते हैं, तो हम यहां पर सिंपली न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे।
अब यहां पर आप ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, यहां 3 के नीचे कुछ नजर नहीं आ रहा है, इसका मतलब यहां पर 1 होता है। अब हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 3 9 होता है, तो यहां न्यूमरेटर में 9 आ गया, यहां डिनोमिनेटर में 1 है, यहां डिनोमिनेटर में 4 है, 4 इंटू 1 4 होता है, तो यहां डिनोमिनेटर में 4 आ गया, तो हमारा आंसर आ चुका है 9/4 मीटर। अब अगर आप चाहे तो यहां पर भी आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान दें स्टूडेंट्स तो ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से छोटा है, तो अगर आप चाहे तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करके भी दिखा सकते हैं। तो अगर आप 9/4 मीटर को मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो आपको मिलेगा 2:1/4 मीटर। तो फर्स्ट सैपलिंग और लास्ट सैपलिंग के बीच में जो डिस्टेंस हमें फाइंड करना था वो डिस्टेंस हमें यहां पर मिल चुका है 2:1/4 मीटर। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।